8 अक्टूबर को आगरा के पश्चिमपुरी स्थित श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर त्यागी व्रती विद्वजन एवं प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान किया गया। आगरा के पश्चिमपुरी शैली द्वारा 8 अक्टूबर को श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जल यात्रा के साथ किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ सभी कलश में जल भरकर मंदिर जी पहुंचे। बड़ी संख्या में बच्चे और समाज के लोग जल यात्रा में सम्मिलित हुए। कलशाभिषेक के दौरान मंदिर जी में श्रद्धालु मौजूद थे, सभी ने क्रमानुसार कलशाभिषेक किया, तो वहीं अन्य भक्तों ने इस अभिषेक के दृश्यों की अनुमोदना की। इसके बाद मंदिर में चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई, जहां एक बालिका ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर 7 वृद्धजनों का सम्मान किया गया, जिनमें प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च अंक लाने के लिए भी सम्मानित किया गया। शहर के गणमान्य महानुभाव निर्मल मोटिया जी एवं राजेश जैन सेठी जी का सापा और माला पहनाकर भव्य स्वागत मंदिर कमेटी की ओर से किया गया। कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों ने अपने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पश्चिमपुरी में आने का यह सौभाग्य हुआ। पश्चिमपुरी मंदिर के लिए इस समाज की यहाँ पे इच्छा है कि इतना भव्य मंदिर बनाएं कि हमारे आगरा समाज में ये एक ही मंदिर हो, और मुझे उम्मीद है बनेगा, क्योंकि आज मुनि श्री सुद्धा सागर जी महाराज के सानिध्य में इनका जो उनका आगमन होगा, उनके सानिध्य में ये मंदिर तैयार होगा। और समाज को मैं आशीर्वाद देता हूँ, इतने तन मन धन से जो जुड़े रहते हैं, और हमारे अध्यक्ष साहब और मंत्री साहब, इनकी प्रेरणाएँ कि पूरी समाज एकजुट रहती है और समाज ये मंदिर निर्माण कार्य में भी बहुत सहयोग करते हैं। आज हमारा मंदिर कमेटी द्वारा क्षमावाणी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हम वृद्धजन सम्मान, त्यागी व्रती सम्मान, प्रतिभा सम्मान का प्रोग्राम कर रहे हैं, और सभी का हमने सम्मान किया। और यहाँ पर सभी देख रहे हो कितना उत्साह, कितना जोश, कितना उत्साह और जोश है। और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में निर्मल मोटिया जी और राजेश सेठी जी हमारे बीच में पधारे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल समाज के अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आज पश्चिमपुरी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज उन्होंने हमको सबको आमंत्रित किया है, और साथ में हमारे निर्मल जी मोटिया जो आगरा के भामाशाह, जो हाल ही में जो नए नए मंदिर का निर्माण जो होने वाला है सुधा सागर जी में, उसके मुख्य पुनर्जक के रूप में और निर्माणकर्ता के रूप में, और उनका आज सम्मानित किया गया। और भव्य कार्यक्रम में पूरी समाज एकत्रित है, और आज क्षमा याचना के साथ साथ सब अपने एक गिले शिकवे दूर करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर से पश्चिमपुरी, और आज का हमारा क्षमावाणी वृद्धजन सम्मान समारोह और मेधावी छात्रों का सम्मान, और उसमें हमारे यहाँ जो 10 दिन प्रतियोगिताएँ चली उन बच्चों का सम्मान, नए पुजारियों का सम्मान, और नए जो शिविरार्थी जो शिविर में गए थे उनका सम्मान, और जिन्होंने अपने घर में उनको आदर सम्मान के साथ भोजन पर बुलाया उन सबका सम्मान, सम्मान की श्रृंखला हमारी पूरी है। और हम इसी तरह अभी वात्सल्य भोज में जाएंगे और रात को महाआरती करेंगे और कल्याण मंदिर दीपमाल का विधान भी करेंगे। उत्तम स्वागत है, और श्री चिंतामणि दिगंबर पश्चिमपुरी पार्श्वनाथ में आज बहुत ही भारी वार्षिक मनाया जा रहा है, और इसमें महानगर की हस्तियाँ जैसे मोटिया और गया वाले पधारे हुए हैं, और सम्मान किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन राहुल जैन और सीमा जैन ने किया। इस तरह पश्चिमपुरी जैन समाज ने क्षमावाणी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। पश्चिमपुरी समाज के सभी लोगों में इस कार्यक्रम का उत्साह देखते ही बना।